हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों उसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जो अभ्यर्थी जेई कैप का जो रिजल्ट है उसके लिए दो दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, तो फाइनली उनका जो इंतज़ार है वो आज ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कल भी न्यूज़ आई थी बोर्ड की तरफ से कि उनका जो रिज़ल्ट है वो मंगलवार को घोषित हो जाएगा। हमने जो इससे पहले जो वीडियो बनाई है उनमें उनका जो न्यूज़ की पेपर की कटिंग लगाई हुई है, तो वो किसी कारणवश मंगलवार को भी नहीं जारी हो पाया। तो उनकी जो आज की जो न्यूज़ है उनमें उन्होंने बताया है कि जो ये रिज़ल्ट है, जो आज की न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम एजेंडा तैयार न होने के कारण मंगलवार को भी घोषित नहीं हो सका है, अतः बुधवार को परिणाम घोषित होने की संभावना है। परिषद के सचिव F.R. खान ने बताया कि तकनीकी कारणों से बैठक नहीं हो सकी, बुधवार को दोपहर बाद बैठक होगी और फिर परिणाम घोषित होगा। JEECUP.org पर परिणाम अपलोड कर दिए जाएगा। राजधानी समेत प्रदेश के भर के 4.25 लाख अभ्यर्थियों का परिणाम का इंतजार है। तो दोस्तों उनकी ये जो आज की न्यूज़ है दैनिक जागरण में, तो आज आप पढ़ भी सकते हैं। तो कैसे आप डाउनलोड करते हैं, जो अभ्यर्थी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो उनको हम बता देते हैं कि आपको जो डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ ऊपर लिंक दी हुए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आप अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दी हुए हैं, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 जो नए हमने अभी हाल ही में इसमें डाले हैं, और यहाँ से जो उस पर लिखा हुआ है UP पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2018, इस पर भी आप जाके अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये संभावनाएं बनी हुई हैं, अब तक इनकी जो साइट है वो चालू नहीं हुई है, जैसे ही चालू होती है आप अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपना रोल नंबर और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सबमिट कर देना है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको शो हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।